नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट, मैं हूं रंजना। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का जो रवैया है उससे जनता भी अवगत है। इस पर हम मांडर विधायक नेहा शिल्पी तिर्की से जानने की कोशिश करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के आपके साथी हैं सदन के अंदर, वो वॉकआउट कर जाते हैं प्रतिदिन, आपका पहला अनुभव आज लगता है दूसरा या तीसरा दिन रहा होगा, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कुछ कहें? आज का दिन कंपेयर टू अदर डेज काफ़ी बेटर था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को। सवाल सुन लिए? सवाल तो ध्यान आकर्षण में मेरा जो सवाल लगा हुआ था उसमें मेरा सरकार द्वारा जवाब नहीं आया था, इसलिए पुट में चला गया। मगर ओवरऑल आज का दिन काफ़ी अच्छा था। मैंने देखा भी ये कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों का ही रोल हम सत्ता पक्ष वाले ही प्ले कर रहे थे, आज बहुत प्रोडक्टिव वे में जो हमारे पक्ष वाले भी थे वो भी बहुत अच्छी सवाल कर रहे थे सरकार से, जो कि एक प्रोडक्टिव सेशन रहा। जब सरयू राय जी और प्रदीप यादव जी बोल रहे थे कि तो काफ़ी चीज़ गंभीरता से सुनती हैं आप, किनको ज़्यादा गंभीरता से सुनती हैं सदन में, जो मतलब किसका स्पीच ज़्यादा प्रभावित लगता है या क्वेश्चन पूछने का जो रवैया किसका सबसे अच्छा लगता है? देखिए, मुझे प्रोडक्टिव सेशंस अच्छे लगते हैं, जहाँ पे कोई आपको पूछ रहा हो बस आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, मगर आपको कि जो आपसे कुछ छूट हो गई है या जो हो सकता है, सरकार से भी छूट हो सकती है, किसी इंडिविजुअल से भी छूट हो सकती है, तो जो आपसे छूट हो गई है उसे आगे लाने के लिए जो कोशिश करता है, एक प्रोडक्टिव फीडबैक देने का कोशिश करता है, उन सभी चीज़ों को मैं काफ़ी पसंद करती हूँ। तो बिल्कुल, पुलिसकर्मियों का आपने सवाल डाला था, सहायक पुलिसकर्मी हमेशा आंदोलन करते हैं, आप गठबंधन में हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या समस्या लेकर आपके पास पहुँचते हैं सहायक पुलिस? देखिए, सहायक पुलिस का जो पूरे राज्य में जो मामला है वो एक बड़ा मामला है ही, उसके उसके बारे में मैंने सीएम से भी खास कर मिल के बात की है, और ये और आज का जो सवाल था वो खास कर भी मेरे क्षेत्र से रिलेटेड है, क्योंकि जब दो प्रखंड निर्वाचन नए बने, बिल्कुल नए बने, जो नए प्रखंड बने, तो उसमें इनका जो रिक्रूटमेंट था वो कम हो गया, तो इसके लिए वो बार बार मेरे पास आ रहे थे और कह रहे थे कि कुछ करने के लिए। मैं चाहती थी कि इसे और इसमें एक डिबेट करके ध्यान आकर्षण में लाया, नहीं मिली ध्यान आकर्षण में लाया जाए, मगर किंतु ये जो लोग थे वो थोड़ा लेट में मेरे पास पहुंचे, इसलिए मैंने इसको जीरो आवर में डाला था, आज मैंने दिया भी है। मैं आशा करती हूँ कि सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव बताइए। एक मैम हमारा सवाल होगा, कांग्रेस खेमे में इन दिनों जो झारखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसको आप कितना कुछ समझ रही हैं? जो आपके तीन साथी हैं सदन के वो आपके साथ नहीं, आप उनके साथ सदन में रहे ही नहीं, अंदर में मंत्रिमंडल का भी फेरबदल चल रहा है, उसमें आपका भी नाम आ रहा है, अंदरूनी खेमे से अगर बात की जाए तो अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो क्या कुछ कहें? जो आपका पहला सवाल है उसमें आपने बहुत सही तरीके से कहा है कि अभी तक तो मुझे प्रोफेशनली और ना ही पर्सनली इनको समझने का मौका मिला था, तो जो मेरे जब मुझे न्यूज़ मिला आपके द्वारा मिला, इक्वली मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। आशा करती हूँ कि आगे आने के विधायक हैं बेलमो जयमंगल सिंह, उन्होंने FIR कराया था, लेकिन उन पर भी इरफान अंसारी के जो वकील है वो भी FIR कराए, आप कितना समझते? देखिए, ये तो अजीब सा खिचड़ी बनते जा रहा है कोई नए निर्वाचित पॉलिटिशियन के लिए, इट इज़ इक्वली कन्फ्यूजिंग जितना आपके लिए है और जितना जनता के लिए है। इस चीज़ों को धीरे बारीकी से समझने की कोशिश कर रही हूँ। सही बात आप कह रही हैं कि आप उसी पार्टी से हैं, बेशर्मी तो महसूस होती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे हैं। जनता के बीच में मैसेज तो जरूर जाएगा ना, कांग्रेस पार्टी से विश्वास कहीं ना कहीं हटेगी हमेशा, किस आधार पर जनता कांग्रेस को चुनना पसंद करेगी? सभी नहीं है वैसे, लेकिन देखिए पार्टी बनती है इंडिविजुअल्स के द्वारा, तो आप इंडिविजुअल्स को भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, उनका कैरेक्टर भी डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, तो शायद ये सारे चीज़ भी कंट्रीब्यूट करेंगी पार्टी के जो पार्टी है, पार्टी का डेफिनेशन है उसमें। तो आशा करती हूँ कि लोग जो है वो थोड़ा गंभीरता से इंडिविजुअली हमें समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप मंत्री बनाई जाती हैं मान लीजिए, तो आप कौन सा विभाग लेना पसंद करेंगे? मान लीजिए अगर आपको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो आप क्या कुछ? इतना अब्रप्ट सवाल है कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं है, तो कैसे कुछ बोल दूँ, मंत्री बनने तक का नहीं सोचा है, तो विभाग का कैसे बोल दूँ। थैंक यू। सहायक पुलिसकर्मियों का आवाज़ को सदन में आज उठाई थी अपने क्षेत्र के सहायक पुलिसकर्मियों का खास करके, हालांकि नेहा शिल्पी तिर्की ने अपना सारा अनुभव आपसे शेयर किया, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है जब इनके पार्टी के ही नेता एक दूसरे नेता का FIR कराते रहते हैं। खैर, इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।